The angles of a quadrilateral are in ratio 3:5:9:13. Find all angles of a quadrilateral. सारे एंगल जो हैं क्वाड्रिलेटरल जो कुछ कुछ रेशियो में है, ठीक है, ये नहीं दिए हमने एंगल्स, हमने रेशियो दे दिए, तो हम रेशियो क्या मान लेंगे बताओ, थोड़ा देखते भी जाओ, कर रहे हो मुझे पता है, तो मैं आता है बीच में देख लो, एक सेकंड इधर तो देखो, लेट द रेशियो भी एक्स, उसका तुम्हारा एंगल ऐसे लिखना है, नहीं लिख रहे हो तुम, 3 लिख रहे हो, बढ़िया, 3 x, एंगल भी कैसे लिखोगे 5 x, एंगल से कैसे लिखोगे 9 x, और एंगल दिया जाएगा अपना 13. अब लगा दो इसमें सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल प्रॉपर्टी कितने होता है 360. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा 360 degrees. क्लियर है, तो ये हो जाएगा अपना 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360. यहाँ से हमें मिल जाएगा 3, 5, 8, 8, 9, 17 है ना, 17, 13, 30, 30x इक्वल टू तुम्हें मिल जाएगा 360. ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, x इक्वल टू हो गया 36/3 यानी 12, x की वैल्यू 12. तो यहाँ से एंगल ये कितना मिलेगा 3 x 12, एंगल भी कितना मिलेगा 5 x 12, एंगल सी 9 x 12, एंगल डी 13 x 12. निकालो एंगल ये कितना है, ये आ रहा है तुम्हारा, बढ़िया, एंगल ये आ रहा है अपना 36 degrees, ये आ रहा है 60 degrees, एंगल सी तुम्हारा का 9 x 18, 9 x 9, 10, 108 degrees, और ये निकालो 13 x 12 कितने होते हैं 130 x 26, 156 होते हैं. चेक करो सारे से निकाले, तुम्हारी यही है 36, 60, 108 और 156. वेरी गुड, तो तुम्हें ये क्वेश्चन आ गया, नोट कर लो अच्छे से, कोई भी स्टेप अगर नहीं लिखो अभी क्या अभी लिख लो, हाँ और ये और लिख लो अच्छे से, ये ए बी सी डी, ए को बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे 3x, बी को क्या बोलेंगे 5x, 9x, 30x, ठीक है.